सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप देख रहे हैं बागेश्वर के वैक्सीन सेंटर का दृश्य कैसे होता है इसके बारे में एक वीडियो बनाया है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। ये नज़ारा है बिलोने का, जो रोडवेज डिपो है वहाँ का। यहाँ जैसे आप यहाँ पहाड़ में कुनो या जिसका पूछला सबसे पहली इतनी तुम देखना भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों ये बैनर लग रहा हो जहाँ तू सैनिटाइजर और पानी बोतल छिन यो तुम हाथन के सैनिटाइजर कराल। और बगल में उनर जो बैठे आल वहाँ जो छू तुम जब स्लॉट बुक करा छो उमें एक ओटीपी एक नंबर हूँ चार नंबर ऊ और अब आधार कार्ड ये दुए तुम जो छू इतनी देखूँ पड़ोल इतनी कर्मी लहाल और जो सरकारी कर्मचारी लहाल और स्वयंसेवी जो है संस्था जो लॉन्ड मोड छे ये लूनी ये बात जो छो तुम जो छो हगिल जाला हगिल जा डॉक्टर लोग जहाँ तुमके इंजेक्शन लगूनी या वैक्सीन लगूनी वहाँ जाला उतिले एक सरकारी कर्मचारी बैठे हाल उनके तुम अब आधार कार्ड नंबर और जो चार नंबर जो डिजिटर है वो दिखा ला। तीन चार अलग अलग ने महिला ने लीजिए अलग पर्द में इन्होंने व्यवस्था करी थी और बहुत मांग थी। और इतनी दीपक घसियाल जी बथूनी बधेरे जाओ पंकज मेहता जी उतनी ठाड़ छिन तो ये लॉन्ड मोड जो छिन ना मतलब एक इस हौसला बढ़ोनी जस बहुत मन में हूँ ना कह जो हॉल की जो हॉल तो इसे जरा बात करते 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 ये जो जो समझूनी इसी कारण जो तो एक बाद एक तो ये सारे वीडियो बना रखी। और मैं कोशिश थी क्योंकि मैं मन में बहुत थी कि यार मैं वैक्सीन लगूँ जानी मैं पछाड़ा हुआ कौन है कशी करण के करण तो जब ये लोग उड़गन के देखो मुझे जरा धैर्य महसूस भाव और यहाँ डॉक्टर साहब ने उनका बात भाई उन्होंने मुझे बता तो इसी जो छुआ ये जब इतनी होनी तो ये वैक्सीन ये देखो तुम सैनिटाइजर इसे करनी हो। और जो भतेर ले और जब हम भतेर जानो तो वहाँ जो पानी व्यवस्था लेनी ये मैं बैठी और डॉक्टर साहब ने बात करनी थी तो उन्होंने के न हूँ तुमका और इसी इसी बुलाते बुलाते इन जब इंजेक्शन ठोका और पंतला कब इंजेक्शन लगा कभी फिर यह बात जो छो फिर इन हम ओली जी और दीपा भाई को तुम जो छो बगल वाल कमरे में जला तो वहाँ जो छो तुम 15 मिनट या आधो घंटे तक बैठन छो। और जब वहाँ भतेर जाला तो उतनी हमें मैडम बैठी बहनी तो वो जो छू नाम नोट करनी और वो अगर नाम नोट कराल और तुम्हों कॉल के भेजाओ फिर तुम भेटन छो फिर एक एक कभी धा लगूनी हो कि यो आओ रे कॉला फिर उतनी जान भाई फिर जो छू तुम भी दू पैरासीटा मोल दियाल और फिर बताल कि कशी के कारण छो। और डॉक्टर अमित आनंद जो छिन वो बीच बीच में यहाँ आते रहोल और पूर्व निरीक्षण कराल और कगनी चक्कर उन्हों वो बार में पूछाल वो साथ साथ ये बतूनी कि जो लोग जो वाल तुम यो वैक्सीन लगा ला यो वाल वैक्सीन तुम बाद में लगाऊँ छो और जो दूध 99 को दूध पीऊनी वो लोग यो ये बार में पहली राय ले फिर गया। और दीपक भैया हमारे प्रांत से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रांत से हमें आदेशित हुआ था हमें आदेशित किया गया था कि हमने हर वैक्सीन सेंटरों में वहाँ पर अपना हेल्पर डेस्क लगवाना है उसी के तहत हमने भी यहाँ पर एक हफ्ते से हेल्पर डेस्क लगवाया। ये तो आदेशित है लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखा है आपको जहाँ आदेशित नहीं है आप फिर भी कूद जाते हो उधर सेवा करने। ये एक पहले तो मैं जय हिंद कहूँगा आप सभी भाइयों के लिए। आप लोग यहाँ पर निरंतर आज कितने दिन हो गए? एक सप्ताह से आप निरंतर यहाँ पर सेवा दे रहे हो और किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं आप यहाँ जो लोग आ रहे हैं दो शब्द। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद बागेश्वर के द्वारा वैक्सीन सहायता केंद्रों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग वैक्सीन सहायता केंद्र पर जो लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं उन्हें हम मास्क सैनिटाइजर या फिर सोशल डिस्टेंस में रहने की अपील तो कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है या जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद चक्कर रखकर आ रहे हैं उन्हें पानी की समस्या है तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर भोजन चाय और पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा हमने जनपद भर के अंदर जितने भी वैक्सीन सेंटर हमारे हैं सभी जगह युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वैक्सीन सहायता केंद्र लगा रहे रखी है। जिसको भी जिस तरीके की भी सहायता की ज़रूरत है तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। चाहे कहीं पर गाड़ियों की दिक्कत हो अगर किसी को छोड़ने के लिए अगर गाड़ियों की दिक्कत हो तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उसके लिए भी तैयार है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा आपसे संपर्क कैसे करेंगे? युवा मोर्चा का एक हेल्पलाइन सेंटर हम लोगों ने
यहाँ जनपद में खोला है, जिसमें हम लोगों ने 5 लोगों की एक निगरानी समिति हम लोगों ने बना रखी है, जिसमें हमने 5 कार्यकर्ताओं की एक जो 24 आवर्स उस कॉल को अटेंड करेंगे, और जिसको किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता है तो युवा मोर्चा का हमारा कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। अगर कहीं दवाइयों की अगर किसी को दवाइयाँ पहुँचाने की अगर ज़रूरत है तो मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वहाँ दवाई पहुँचाने का भी प्रयास करेगा। इस तरीके का कार्यक्रम हम लोगों ने अपने जिले के अंदर अभियान हम लोगों ने चला है। जी भैया नमस्कार, आप तो यार हर वक्त युवाओं की धड़कन कहा जाते हैं, और मैंने देखा है रात में भी आप हॉस्पिटल में आए थे और बहुत सारे लोगों की आपने मदद की, तो आज यहाँ देखकर मैं खुद वैक्सीन लगाने आया, तो मैं खुद शौक पे कि आप लोग यहाँ हो, और ओली जी तो हमेशा रहते हैं भाई साहब के साथ में रहते हैं, तो आज क्या मतलब ऐसा क्या आपके मन में विचार आ रहा है कि इतनी सेवा करने का है? देखिए ये एक बात है कि क्या कहते हैं अभी ये जो महामारी चल रही है कोरोना की जी, इस समय पे अगर हम लोग ही जो हम युवा हैं हम आगे नहीं आए तो जो लोगों की सहायता नहीं कर पाए तो वो हमारे लिए भी कुछ सोचनीय विषय है। तो हमारे प्रांत से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रांत से हमें आदेशित हुआ था, हमें आदेशित किया गया था कि हमने हर वैक्सीन सेंटरों में वहाँ पर अपना हेल्पर डेस्क लगवाना है, उसी के तहत हमने भी यहाँ पर एक हफ्ते से हेल्पर डेस्क लगवाया। ये तो आदेशित है, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखा है आपको जहाँ आदेशित नहीं है, आप फिर भी कूद जाते हो उधर सेवा करने। ये एक भाव है, पहले से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं तो वहाँ से हमें ये प्रेरणा दी जाती है कि नर सेवा करके प्रेरणा दी जाती है। तो इसी के तहत मैंने बहुत जगह देखा, ओली जी को देखा, आपको देखा, भाई साहब को देखा है, ऐसी जगह भी जहाँ आदेशित नहीं है फिर भी आप लोग वहाँ चले जाते हो। एक मन में भाव आ जाता है कि लोगों की हेल्प करने से मतलब कुछ होता है ना दिल में, कि किसी की आप मदद करेंगे तो फिर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, वैसी जैसी फीलिंग आती है तो वही फीलिंग लेने के लिए हम ये काम करते हैं। तो बताइए भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर द्वारा सभी वैक्सीन सेंटरों पर सेवा का जो कार्य किया जा रहा है, हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, और इसमें हमें भोजन की व्यवस्था हो, चाय पानी की व्यवस्था हो, और जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन के लिए उनको डिस्टेंस का पालन कराने के लिए हो, तो फिर डिस्टेंस और थोड़ा थोड़ा जानकारी देने के लिए ना। जी जी बहुत बढ़िया।